समग्र विश्व में जन्माष्टमी की भव्य उजवणी थई रही है। देश में भक्तिमय माहौल जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे सूरत शहर में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य उजवणी थई रही है। सूरत अलग अलग मंदिरों में वहेली सवारथी ज भक्तों घोड़ापोर उमट्यु छे अने समग्र सूरत जय श्री कृष्ण नाद साथ गूंजी उठ्यु छे। जगतना तात भगवान श्री कृष्णना 5248 जन्मोत्सवनी धामधूमथी आजरोज उजवणी थई रही छे। समग्र देश भगवान श्री कृष्णनी भक्तिमां रंगाई गयो छे। देशभरना मंदिरोमां जन्माष्टमीनी भव्य उजवणी थई रही छे। गुजरातमां द्वारका, डाकोर, शामळाजी, गोकुल, मथुरा सहित देशभरना तमाम मंदिरोमां वहेली सवारथी भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्युं छे। सूरत शहेरनी वात करीए तो सूरत शहेरमां वहालाना वधामणा करवा मंदिरोमां भक्तोनुं घोड़ापूर उमटी पड्युं छे। समग्र सूरत से जय श्री कृष्ण, नंदगेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नाद साथ गूंजी उठ्यु छे। सूरत ना अलग अलग मंदिरों में विविध तैयारियों थई गई छे अने आज विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं छे। सेना जहांगीरपुरा खाते आवेल इस्कॉन मंदिर में पण भव्य उजवणी करवामां आवी रही छे। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण लीला कथन, भजन कथा, राजभोग आरती अने सांजे 6 कलाके पंचामृत अभिषेक ड्रामा, रात्र 11 वागे कृष्ण भजन अने 12 ना टकोरे वाला वधामणा करवामां आवशे અને ભવ્ય જન્મોત્સવ આરતી કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત દિવસભર ભક્તો દર્શન કરી શકે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ઇસ્કોન મંદિર રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે, પરંતુ મંદિરમાં કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવામાં આવશે। हरे कृष्णा, मेरा नाम सचिशुत कुमार दास, मैं इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा सूरत से बोल रहा हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है। सारे सूरतवासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा। भगवान आज बड़े दयालु है, कृपालु है और ऐसे ही उनकी आंखों से अमृत निकलता है। जो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, उनका कल्याण सुनिश्चित है। तो सारे सूरतवासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरा दिन मंदिर खुला रहेगा, आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। पर एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है और हमको ये पालन करना चाहिए क्योंकि हमारी तबीयत की बात है। तो हमको वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड सिंसियरली। आज जैसे सवेरे 4:30 बजे मंगला हो चुकी है, श्रृंगार आरती हो चुकी है, थोड़ी देर में अभी राजभोग आरती होगा और 4 बजे फिर एक आरती है और 7 बजे महासंध्या आरती है। उसके बाद अभिषेक होगा, जो डोनर लोग हैं हमारे जो सेवा करते हैं मंदिर के लिए नियमित, उनके लिए बालकृष्ण का अभिषेक रखा गया है तो वो 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद भगवान बालकृष्ण की मंदिर के अंदर जो महाअभिषेक होता है वो होगा। तो इसलिए पूरा दिन भजन कीर्तन प्रवचन आप देख रहे हैं, सारे सब चल रहा है। तो सूरतवासियों को निवेदन करेंगे, आप लोग ज़रूर पधारें, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, आपने जीवन को धन्य बनाइए। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है इसलिए भगवान जन्म लेते हैं, दुष्ट को दिखाते हैं मैं आज भी जन्म लूँगा और दुष्ट लोगों को मैं दंड दूंगा। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ, जो दुष्ट बुद्धि वाले वो दुष्टता छोड़ दीजिए, भगवान की शरण में आइए। भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है और ख़ास करके आज के दिन में भगवान कृपा करेंगे। तो आप लोग सादर आमंत्रित है, आइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए। हरे कृष्णा।